सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिला डूंगरपुर भाजपा जिला संगठन प्रभारी का बयान मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि दलगत राजनीति छोड़े, जनता को भ्रमित नहीं करे 84 विधायक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। और फिर एक लिखा हुआ था फेसबुक पेज पर हेल्पलाइन नंबर को बताया हास्यास्पद। अब ये दो चीज़ें भाजपा के जिला संगठन मंत्री शास्त्री जी वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। दलगत राजनीति छोड़े कौन कर रहा है भाई, दलगत राजनीति कौन कर रहा है और जनता को भ्रमित कौन कर रहा है? या ये सब कहने और छापने से कुछ नहीं होने वाला, जनता जानती है कि भ्रमित कौन कर रहा है और दलगत राजनीति कौन कर रहा है। दूसरी बात, फेसबुक पेज पर हेल्पलाइन नंबर को बताया हास्यास्पद। तो राजकुमार जी रोत 84 विधायक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर कोरोना के बाद क्यों जारी किया, ये कहने का तात्पर्य था उनका। तो मैं आपको बता दूं कि क्या लोगों की कोरोना की ही समस्या थी, उसके अलावा ज़िले के लोगों की कोई समस्या ही नहीं है? भाई समस्याएं बहुत सारी होती हैं, आपको अगर आपके पास समस्याएं नहीं हैं इसलिए आपको पता नहीं है। कोरोना काल में अगर इस तरीके से समस्या आती है तो लोग निश्चित तौर पर सहयोग की अपेक्षा करेंगे ही, साथ ही इस हेल्पलाइन नंबर का उद्देश्य क्या था ये समस्त जनता जानती है। ये जनता की डिमांड थी, जनता की मांग थी, इस 84 क्षेत्र की जनता की मांग थी कि एमएलए साहब एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, और उन्होंने किया। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कम ये तो पता चलेगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी हैं जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके नहीं बता सकते हैं, या फिर मैं समय की कमी के कारण उनके फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो वो हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्या को लिखवा देंगे और रजिस्ट्रेट करवा देंगे उस रजिस्टर में, ताकि शाम को या सुबह में 84 विधायक को जब भी समय मिलेगा वो इन समस्या को देखेंगे, पढ़ेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। बस उनका मेन उद्देश्य यही था कि लोगों की समस्या को वो सुने और उनका समाधान करें। परंतु जिला संगठन मंत्री जी का क्या तात्पर्य था इस तरीके का बयान दे करके? वो आम जनता से क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, पर जनता जानती है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और समय आने पर जनता अपने आप सूझ समझ दे देती है समय के साथ, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर शास्त्री का कहना था कि दूसरी लहर के समय आम जन को मदद की ज़रूरत थी, तब विधायक रोत कहाँ थे? तो आपको पता ही होगा या विदित होगा, विधायक रोत दूसरी लहर के समय ही नहीं, जब पहली लहर आई थी, पहला लॉकडाउन लगा था,
तब राज्य की सीमाओं पर या यूं कहे रतनपुर बॉर्डर पर कौन मौजूद था लोगों की मदद करने के लिए? राजकुमार जी रोथ ही थे, जिन्होंने अपने निजी वाहनों से भी लोगों को अन्य राज्यों में भेजा है और मानले बॉर्डर पर भी वो थे लोगों की मदद के लिए, और अपने क्षेत्र में तो वो तकरीबन हर पंचायत के हर फले के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और रात दिन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। उसमें कोई दो राह है ही नहीं। बात रही दूसरे लॉकडाउन की, तो समस्त क्षेत्र को ही नहीं, 84 क्षेत्र को ही नहीं, डूंगरपुर को नहीं, पूरे राजस्थान को पता है कि 84 विधायक राजकुमार जी रोत ने क्या किया। उन्होंने अपने मत से पंचायत समिति जोतरी में एक एम्बुलेंस ली, पंचायत समिति चिखली में भी एम्बुलेंस ली, सिमलवाड़ा में अपने मत से ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की, और समय समय पर उन्होंने हर स्कूल हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की, स्टाफ के लिए, आम जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और हर स्कूल में उन्होंने बच्चों के बैठने की बेंचों की व्यवस्थाएं की, कंप्यूटर्स की व्यवस्थाएं की। तो उनकी कार्यशैली पर इस तरीके की बयानबाजी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु मैं ये कह देना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति छोड़ो, जनता को भ्रमित नहीं करे 84 विधायक। इससे आप क्या कर साबित करना चाह रहे हैं? दलगत राजनीति आप कर रहे हैं, जनता को भ्रमित भी आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी बयान का खंडन करते हैं। और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करें तो इस ज़िले के लिए अच्छा रहेगा। सबको मिलकर आम जनता की समस्याओं को समाधान के लिए कार्य करना चाहिए, न कि इस तरीके की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। तो हम उस बयानबाजी का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और भ्रमित आप कर रहे हैं, हम नहीं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जोहार।